अस्सलाम वालेकुम जी, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। आज मैं यहाँ पर इस्लामाबाद की F6 मरकज की सुपर मार्केट में मौजूद हूँ और तहरीक आदम एतमाद जो है वो कामयाब हो गई है। उसके हक़ में 174 वोट पड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। जो कल है वो कायदे ईवान के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाना है, उसकी नामजदगियाँ भी जारी हैं। लेकिन आज जो है हम यहाँ आवाम के पास जाएँगे, अवाम से बात करेंगे और अवाम के जज्बात जानेंगे कि अवाम इस मुतल्लिक क्या सोचती है, वो किसकी साइड पे है, वो किसको सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं। तो आइए अवाम के पास जाते हैं। जी बताइएगा, इमरान खान साहब को जो है बतौर वज़ीर आज़म हटा दिया गया है अदम एतमाद के थ्रू, आपके क्या जज्बात हैं इसमें? हमारा ये जज्बात है कि इमरान खान एक दलेर आदमी है, नडर लीडर हैं और इंशाल्लाह दोबारा भी आएगा। लेकिन ये जो लोग आए ये अमरीकी का टटू है, ये आपस में एक महीने या दो महीने बाद इनका आपस में जो है ना लड़ाइया शुरू हो जाएगा। एक कहते हैं मैं पेड़ पाट के निकाल दूंगा, दूसरा कहते हैं मैं लड़काने की सड़कों पे घसीटूंगा। ये वही लोग हैं जो आपस में लड़ लेते। आज जो है ना एक अमरीकी के कहने पर एक हो गया और एक जमहूरी गवर्नमेंट को जो है ना उनके खिलाफ अदम इतमाद लाया। ये इनके अपने कहने पर नहीं, ये 3 साल ये क्यों नहीं लेके आ रहा था? ये अमरीका के जो है ना टटू है, इसके सारे सरमाया उधर बाहर है और बाहर पे ऐसा इधर से लेके जाते, बाहर जमा कर देते, फिर वो उनके ग़ुलाम बनते हैं। इनका और क्या काम है? इमरान खान एक नडर आदमी है, इंशाल्लाह फिर दोबारा भी आएगा और आवाम में भी इसका मकबूलियत है, एक मकबूल लीडर है। वो कोई इनकी तरह काग माल वाला नहीं है कि पैसे जमा करो और पेट भरो और इंग्लैंड जाओ, उधर जो है ना जब हुकूमत हो तो इधर हो, जब हुकूमत चला जाए तो इंग्लैंड में जा कर डेरे डालो, उधर पैसा अपना कमाओ, बस हेशी मारो। तो इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आएगा और सही मजबूत आएगा, दो अतहाइयत से आएगा और आवाम सारे उनके साथ है। आजकल देखो ना किसी मौलाना और या 10 पार्टी इकट्ठा हो कि इमरान खान के जो है ना जो आधा जलसे है उसके लोग भी है उसने नहीं जमा किया। ये सिर्फ वाहिद लीडर इमरान खान है जिसके साथ बटो के बाद और कायद आज़म के बाद जो आवाम उनके एक आवाज़ पे सारे निकलते, बाकी सारे जो है ना ख़रीद फरोख्त वाला, करप्शन वाला, पैसा जमा करो, खीस को ख़रीदो, इसको बेचो, ये सारे जुआ टाइप लोग हैं। इनका जो है ना हमारे मुल्क की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह आएगा और जाएगा। अच्छा, अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब को वोट देंगे? अगले इलेक्शन नहीं कि हमारा नस्ल उसको वोट देगा, क्योंकि उसने अमेरिका को जवाब दिया। आजकल कोई लीडर अमेरिका के आगे नहीं खड़ा हुआ सिर्फ इमरान खान के अलावा। जी, इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद है वो कामयाब हो गई, उन्हें बतौर वज़ीर आज़म हटा दिया गया, क्या कहेंगे इस पर, गलत हुआ या फिर सही हुआ? देखिए, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ है जो मेन चीज़ है, सबसे बड़ी बात इमरान खान साहब को ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि जब फ्रांस का मामला हुआ था, अगर इमरान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका से साजिश है, जब फ्रांस का मामला हुआ था तो इन्हें तब उस वक्त क्यों याद नहीं आता ना मुझसे रसालत वाली बात, तब इन्होंने कहा तुम्हारे सफारती ताल्लुकात हैं। अब जब अपनी सीट जा रही थी तो इन्होंने इतनी ज़्यादा गेम्स खेली हैं, पूरी रात कल पूरा दिन इन्होंने कौम को लटका के रखा, ठीक है। बहुत से बीच की ऐसी बातें हैं जो सारे लोग पढ़े लिखे लोग जानते हैं। आप मुझे कोई एक चीज़ ऐसी बता दें 3.5 साल में इमरान खान ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो? इमरान खान कह रहे हैं हमने डैम बना दिए इस्लामोफोबिया के खिलाफ, जो है इस्लामोफोबिया के खिलाफ वो लोग जो इमरान खान को कहते थे कि आप यहूदी एजेंट हो, ये वो, उसके बाद दो मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, तो 15 मार्च को जो है इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक करारदाद मंजूर होती है और उस दिन को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि दिन मनाया जाएगा मुसलमानों की जानिब से इस्लामोफोबिया के खिलाफ, तो आप क्या समझते हैं कि वो फिर भी सिर्फ बातें कर रहे हैं? सिर्फ बातें करते, अगर ये बात हो तो आफिया सिद्दीकी के लिए क्या किया उन्होंने, कौन सी तहरीक चलाई आफिया सिद्दीकी के लिए, आप बता देना। आप एक एंकर, आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछूँ आफिया सिद्दीकी के लिए क्या किया है? यार पहले उस सवाल का तो जवाब दें जो मैं कर रहा हूं। मैं देखिए, बातें करने से कुछ भी होता, पाकिस्तान बन गया 1947 में, 14 अगस्त को आप झंडे लेके निकलें या मोटरसाइकिल लेके निकलें, शोर करने से कुछ भी नहीं होता। इस मुल्क को आप डिलीवर क्या कर रहे हैं वो बताएं ना। आप इस्लामोफोबिया की बात करें, आप जितने इमरान को नमाज 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है या किसको कुरान से ही पढ़ना आता है? इस्लाम सिर्फ एक नाम लेने का नाम नहीं है, उस पर अमल दरामद होने का नाम है। आप बात करते हैं इस्लामी रियासत की, मदीना रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना में मुझे बताएं नबी पाक की हदीस से मुबारक है, आप जाके इसको मैं चैलेंज करता हूँ, जाके आप तहकीक कर लें। अच्छा वैसे सुन लें, आप इस बात को पूरा सुन लें कि जो मोमिन है ना उसकी 3 निशानी, मुनाफिक आदमी की 3 निशानी है, वो झूठ बोलता है, वादा हलाफी करता है और जो इमानत देता है उसके साथ उसके इमानत की हयानत करता है। आप बताएं झूठ ये नहीं बोलते, वादा हलाफी ये नहीं करते, कौम के साथ वादा हलाफियाँ नहीं करते, लोगों को इकट्ठा कर लेना जो इनकी उनकी फीलिंग्स से खेलना, ये सियासत नहीं है। आप किसी को अपनी बातों के शहर में लें, ये सियासत नहीं है। सर हम तो ये कहते हैं कि इमरान खान एक दलेर आदमी है, उसके खिलाफ आलमी साजिश हुई है और उसको गिराने में हमारे अपने लोगों का हाथ है,
तो वो एक दलेर आदमी और इंशाल्लाह अगली दफ़ा दो ताई अक्सरियत से आएगा और उसने हमेशा इस्लाम का जो नाम वो बुलंद किया है और दलेर लीडर इंशाल्लाह अगली दफ़ा आएगा दो ताई अक्सरियत से आएगा। आपको क्या लगता है किसने गिराया? ये आलमी साजिश और अपने लोग मिले हुए थे ना, गद्दार लोग थे सारे, इसलिए अपने लोग देखे ना, ये आलमी साजिश से ज़्यादा जो अपने लोग मिले हुए थे ना, इन्होंने उसके साथ ज्यादती की है। तो इंशाल्लाह अजीज़ वो आएगा और दोबारा आएगा, दो तय अक्सरियत से आएगा और इंशाल्लाह ये सिस्टम ठीक करेगा। और ये सिस्टम सिर्फ इमरान खान ही ठीक कर सकता है। ये जो पार्टियाँ बाकी है जो आजकल ये इलेक्शन ये वज़ीर-ए-आज़म बनने की तैयारी कर रही है ना, इन्होंने कुछ भी नहीं करना सर। इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ये एक दूसरे के पेड़ फाड़ रहे थे, पैसे निकालने थे, सड़कों पर घसीटना था। ये इमरान खान के बुगज में ये सारे इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह इमरान खान फतह याब होगा। वो आज भी कामयाब है, वो कल भी कामयाब होगा इंशाल्लाह। वो एक आलमी लीडर है। क्या जज्बात है आपके? यार बहुत ज़्यादा जज्बात है, हम लोग परेशान हैं, सारी रात नहीं सोए, मतलब तुक ही नहीं बनती। इमरान खान 160 बंदे किधर और चून चू का मरबा किधर, इकट्ठे करके कोई दो एक पार्टी के, चार उस पार्टी के, छः उस पार्टी के, ये मला मलू के, ये कौन सा तरीका है यार? जो अक्सरीती पार्टी होती है हमेशा उसकी हुकूमत बनती है। इमरान खान के काम बहुत अच्छे जा रहे थे, हम लोग गुलामी की ज़िंदगी भाई नहीं गुजार सकते। खुदा का वास्ता इमरान खान को वापस लाओ, हमने रात को नींदें मारी आराम हो गई हैं और हम लोग भिखारी नहीं हैं भाई। प्लीज़ इमरान खान को वापस लेके, इमरान खान आएगा, हम भिखारी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अगर किसी को शौक है तो इलेक्शन शुरू करें, इलेक्शन लड़ें, जीत जाएं तो आ जाएं। और मैं नहीं समझता कि ये जो नर है ना भिखारी बन के जिंदा रहने वाला, ये किसी को अब जिताएगा इंशाल्लाह, और इमरान खान ही जीतेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रात को जो इमरान खान के साथ ये जुल्म हुआ है, किसी गरीब आदमी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी के लिए 11 बजे रात को अदालतें खोलें। साइकिल चोर या कोई भी कातिल हो ना, उसके लिए गरीब के लिए नहीं खोलते, अमीरों के लिए ये खुल जाती हैं। तो रात को इन्होंने जो रेलू कट्टे इकट्ठे किए हुए ना, सब ने इन्होंने पैसे खाए हैं, ये सारे रेलू कट्टे इन्होंने पैसे खाए हैं। कोई लाहौर में इन्होंने बंदे होटल के अंदर रखे हुए, कोई सिंध हाउस में रखे हुए, इन्होंने 20-20, 25-25 करोड़ लिया है। और हम गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम खान के साथ मरेंगे जिएंगे, खान के साथ हैं, हम गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारते। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मांगने वाले हैं, ये मांगते रहेंगे, हम नहीं मांगने वाले इंशाल्लाह। हम अपनी कमा के खाएंगे और खान के साथ रहेंगे, और खान जैसा बंदा इनको पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगा। ये चोर डाकू है, जरदारी भी डाकू है। अब ये कह रहे थे कि हम एक शैतान को बंद करेंगे, ये 12 शैतान खुल गए रमज़ान में, 12 के 12 शैतान। इनमें से बड़ा शैतान कौन है अब मुझे बताओ? ये शैतान है बहुत बड़े, इनमें कौन सा बड़ा शैतान है जिसने ये सारे शैतान खोले? अल्लाह पाक तो रमज़ान में शैतानों को बंद कर देता है, आज रात को शैतान खुल गए 11 बजे के बाद। ना हमने नींद की है, ना सरी का मज़ा आया है, हम कल से जाग रहे हैं, हमारा खून इस टाइम बहुत गर्म है। खान हमें आवाज़ दे तो हम बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह, हम मरने के लिए तैयार है, खान के साथ हैं। जबरदस्त हाजी साहब, खान जैसा लीडर नहीं मिलेगा, ये पाकिस्तान पछताएगा। ये बेवकूफ लोग हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी के पीछे जा रहे हैं, ये डाकू आजमाए हुए हैं, ये कुरान के कपड़े लगा के आए, हम इनको वोट नहीं देंगे, हम इनके खिलाफ हैं। क्या जज्बात है इमरान खान साहब को जो हटा दिया गया? सर मेरा सर मेरा कोई जज्बात नहीं है। पाकिस्तानी आवाम जो है बहुत सादा सीधा लोग है। जब से ये फैक्ट्री बंद नहीं होएगा, ये सेलेक्ट करना, ये फैक्ट्री बंद ना हो जाएगा, ये ठीक नहीं होएगा। जब इधर असली जमहूरियत आ जाए, सफाफ इंतखाबात आ जाएगा और इदारा अपने काम हदूद में रहे, तो डॉक्टर वो चपरासी का काम कर रहा है, इंजीनियर दूसरे मिस्त्री का काम कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता है। हर किसी को अपना काम करने दो, तब ये मुल्क उठेगा, जिएगा, समझेगा। इस तरह नहीं होता, एक सेलेक्ट को लाया बिठाया, दूसरे को उठाया, इस तरह नहीं हो सकता है। मियां साहब ने सही बात किया था कि वोट को इज्जत दे दो, अभी उसने ये दावा भी छोड़ दिया, जो पेडीएम जो टूट गया उसने ये वादा, अभी वो भी सेलेक्ट हो गया, ये सारे सेलेक्ट इधर नहीं हो सकेगा। हर कोई जब आप ग्रेवान में देखेगा फिर ये मुल्क ठीक हो जाएगा, इसी तरह नहीं होएगा। ये सादे लोग है भाई, ये आ गया ट्रक के बंद बच्चियों के पीछे लगे हुए इसी तरह। तो मेहरबानी होगी अगर आपने ये शेयर किया।
ये जी हमारे साथ आज मौजूद हैं दानिश भाई, जो कि पीटीआई के ही सपोर्टर हैं, पीटीआई के कारकुन हैं, लेकिन आजकल इनके बड़े शिकवे शिकायत हैं। नाम भी दानिश है और उम्मीद है दानिशमंदी का भी मुजाहिरा करेंगे बात करते हुए। आइए इनसे जानते हैं, इनकी राय जानते हैं। जी इमरान खान को हटा दिया गया पीटीआई के कारकुन होते हुए, कितना दुख हुआ, क्या जज्बात है? सर दुख तो बिल्कुल हुआ है, इमरान खान को हटाया गया, लेकिन इमरान खान की अपनी बेवकूफ़ी के साथ हटाया गया। ठीक है, इसलिए हटाया गया कि जितने इस टाइम यहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे इमरान खान की लॉजिक को समझे ही नहीं है। इमरान खान ने ना आवाम को समझा है और ना इमरान खान को ये समझे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बातें ही करते हैं, शोर शराबा करते हैं। मुझे बताएं कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम था, उसके पास हर दुनिया का इख्तियार था, वो वजीर आजम था ना, वो सब कुछ कर सकता। मुझे आप बताएं इसने से 3 सालों में किसको उसने लटकाया है, किसको उसने सजा दी है, किसको उसने रोका है? जो अदालतें सजा नहीं देते, अदालतें किसके मुताद है? अदालतें किसके मुताद है? अदालतें इन्हीं के मुताद, इमरान खान के मुताद है ना अदालतें भाई, उनकी मर्जी होती है, वो जो फैसला करती है। इसीलिए कहते हैं नहीं मिक्स नहीं, इसीलिए कहते हैं ना पटवारी कहते थे मुस्लिम लीग नून को, मैंने खुद इमरान खान को वोट दिया है। ये पटवारियों को कुछ पता नहीं है, सिर्फ इनको ये पता है कि शोर शराबा करना है, और इसी को इमरान खान को मरवाने वाले यही पटवारी हैं, उनकी वजह ये पटवारी तो नून लिखी होते हैं। और यार आजकल तो नून लिखी होते हैं ना, लेकिन आजकल इसमें आ गए तो तभी तो इमरान खान मारा गया, तभी तो इमरान खान मारा गया, तब ही इमरान खान तो मारा गया ना। इमरान खान तभी तो फंसा है कि उसको जो फिल्म दिखाई जाती थी इन पटवारियों के थ्रू वो ऐसी थी। आप मुझे बताएं कि फवाद चौधरी कहाँ से आया है, आप मुझे बताएं ये बाकी कहाँ से आए हैं सारे इसके साथ, आप मुझे बताएं जो इसके असल और हकीकी जो पीटीआई के मौजूद बंदे थे वो लोगों ने आज दिन तक वो कोई भी आपके सामने है? अलीम खान की आप क्यों नहीं बात करते, आप जहांगीर तरीन की क्यों नहीं बात करते? कर तो रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, गद्दार नहीं निकले, वो हक पे हैं, वो सच पे हैं, उनको नजर आया, वो सच पे नजर आया। हम पीटीआई के कारकुन नहीं है, हम नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसलिए नहीं है कि इमरान खान से पीटीआई के खड़ा ना सर, कोई भी निकले से क्या होगा सर, आपका 2 वोट है तुम्हारा, 1 वोट है और सर 100 वोट किस चीज का है? 100 वोट आपके रात को निकल गया ना, 100 वोट आपका निकल गया, पहली बात ये है जो इमरान खान है ना वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर था। अभी ये जो चोर इकट्ठा हुआ है सब पर केस है, बेल वो क्या उसका नाम क्या है, I'll speak in English. It'll be more easy for me. Easy. So basically, Mariam, she's on bail. Shabaz Sharif is on bail. These chort who have been robbing the country for the best part of 30 years. These people have been robbing this country blind. Today, I mean, I was born in the United Kingdom, but I am Pakistani from my heart. I love this country, and today I feel very, very disappointed. The people need to come out and show their support for Imran Khan because he is the best prime minister this country has ever had. You talk about mehngai, ye mehngai hui hai, ye hui hai. इंग्लैंड में इससे बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है इसके यहाँ के बंदे क्या हैं, वो ये इकोनॉमिक्स के मास्टर हैं नहीं है, वो क्या जानते हैं महंगाई के बारे में, इकोनॉमी के बारे में क्या जानते हो तुम? कुछ भी नहीं जानते, मगर ये रोला पाया महंगा। नवाज शरीफ महंगाई को दूर करेगा क्या? वो चोर, ये चोर जो इकट्ठे हुए हैं सब 9-10 डिफरेंट पार्टीज इकट्ठे हुए हैं, पहले एक दूसरे को मारते थे, गालियां करते थे, अब सब इकट्ठी हो क्योंकि ये अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी है। ये चाहते हैं कि इमरान खान जैसा शख्स प्राइम मिनिस्टर ना हो, इसलिए क्योंकि वो यूनिटी चाहता है, मुस्लिम उम्मा की यूनिटी चाहता है। मगर हमारा दिमाग बहुत, हम सोच नहीं सकते, हम एक भाई भाई हैं, मगर ये चोट जो इकट्ठे हुए हैं ये इस मुल्क को ख़त्म कर देंगे। आप बाहर निकलें, पीटीआई को वोट दें, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपकी बात को हम ऑन करते हैं, एक सेकंड, लेकिन हम आपकी बात को ऑन करते हैं, आपकी बात को हम बिल्कुल कहते हैं, आप सच कह रहे हैं, आपको हम उस वक्त भी कह रहे हैं और मेरा भी मौकफ अभी भी वही है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, मैंने भी पीटीआई को वोट दिया है, लेकिन इमरान खान रियलिटी को फेस नहीं कर रहा था। रियलिटी ये थी कि ये आवाम जो खड़ी है इसको पता होना चाहिए था कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ ये लोग शोर करना जानते हैं, शोर नहीं, शोर से कुछ नहीं होता। बात वो होती है कि आप उसको रियलिटी दिखाएं, रियलिटी क्या चीज है तुम बताओ, रियलिटी क्या है? ये चीज दे रहे हैं कि इधर महंगाई किधर जा रही है, पेट्रोल किधर जा रहा है? आप कह रहे हैं ना कि ये जो चोर इकट्ठे हो गए 8-9 पार्टियां, हम भी इत्तफाक करते हैं कि ये बात आपकी सच है, हम भी इस बात को एग्री करते हैं, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली अभी महंगाई का मसला नहीं है, बेशक
سکونی کا مسئلہ ہے، بے سکونی کے ویجیٹیبل کے چکر میں تم ملک کو ڈبا دو گے کیا؟ ملک کدھر ڈب رہا ہے، ملک کدھر ڈب رہا ہے؟ آپ میں انگلینڈ، آپ انگلینڈ سے بہت بہت انگلینڈ سے کمپیئر مت کریں، آپ اپنے ڈالر، آپ ادھر کے ملک کے، آپ اس کے ملک کے، آپ اس کے ملک کے عوام اور غریبوں کے ساتھ کمپیئر کریں، آپ ان کے غریبوں کو کمپیئر کریں، آپ غریبوں کے حالات دیکھیں، آپ اپنے حالات کو دیکھیں۔ پاکستانی میرے بھائی ہیں، امیر ہو یا غریب ہو وہ سب میرے بھائی ہیں، مگر میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، میری بات تو سنو، میری بات سنو، جو مہنگائی ہوتی ہے ختم کر رہے ہیں، ہم ابھی بات کر رہے ہیں غریب کی، پٹواری بات کر رہے ہیں اوورسیز کی، یہ غلط بات کر رہے ہیں، اوورسیز کو چھوڑو، مہنگائی کی بات کرتے ہیں، مہنگائی کی بات کرتے ہیں، ابھی آپ یہاں پہ چلے جائیں کفر جوس پہ، مہنگائی کی بات کرتے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے یار، پوری دنیا میں ہے نا۔ اب تم بتاؤ مجھے ایک سوال ہے، یہ جو اکنامکس ہوتا ہے، یہ جو یہ روپیے کی جو ویلیو ہوتی ہے، یہ کس سے پیک ہوئی ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے یہ مہنگائی، کہاں سے آتی ہے، اس کو اس کا نام کیا ہے؟ نام آپ بتائیں گے، ہمیں تو نہیں پتا۔ اس کا نام انفلیشن ہے۔ انفلیشن کیسے چلتی ہے؟ کیسے چلتی ہے ابھی ابھی کیا بحث ہوگی ہمارے درمیان؟ وہ تو پھر وہی تو کرنے نہیں پتا، یہ تو یہ علم کی بات ہوتی ہے، عقل کی بات ہوتی ہے۔ آپ کیا علم آپ نے یہاں پہ آگے نکالا؟ یہ جی عوام کے جذبات تھے جو آپ نے سنے یہاں پہ۔ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر دم جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں، عمران خان صاحب صرف ہمیں ایک کال دیں، ہم احتجاج کے لیے ان کے پاس آ جائیں گے۔ تو اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اگلے الیکشن میں یہ کتنی عوام کو، یہ عوام جو ہے عمران خان کو کتنی اکثریت دیتے ہیں اور کس طرح سے منتخب کرتے ہیں۔